वीडियो में आप जानोगे फाइनेंस में आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हो, ये जानोगे आप इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आओगे। वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अपनी ये कंप्लीट कर लेना है, केवाईसी वाईसी कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है। तो आपको $20 का फायदा होगा। और अगर आप चाहते हो इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूज़ करना तो आप इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे ये रेफर कोड देख सकते हो, इस रेफर कोड को अगर आप डालते हो तो भी आपको $20 का फायदा होगा। तो आप देख लेना, आपको यहाँ पे वेबसाइट पे साइन इन करना है या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसका यूज़ करके वैसे यूज़ करना है, तो दोनों का सेम ही तरीका है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और रेफर कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे हमको कैसे क्या इसका अकाउंट बनाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल क्या कर लेना है, इसको ओपन कर। देख सकते हो बाइनेंस का जो है ओपन करने का अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो आई एम ए न्यू क्रिप्टो, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम ए क्रिप्टो प्रो, मतलब आप पहले कुछ करते थे क्रिप्टो में तो आप यहाँ पे प्रो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे न्यू कर सकते हो। तो सिंपल आप पहली बार इसका यूज़ कर रहे होगे तो सिंपल मैं पहले वाले पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हो एक्सेप्ट ऑल पे आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है, अलाउ कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, कोई सी भी जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देना ऊपर की साइड में और उसके बाद नेक्स्ट आपको कर देना है। आप चाहो तो गूगल से भी डायरेक्ट यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे कोई सी भी जीमेल आईडी यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने ये जीमेल आईडी डाल दी है और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे कि भाई आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ देख सकते हो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मिलेगा जो कि आपकी इसी जीमेल आईडी पे आया होगा, तो आपको वो ले लेना है और यहाँ पर डाल देना। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो वो जीमेल आईडी पे जो कोड मिला आपको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। और यहाँ देख सकते हो क्रिएट ए पासपोर्ट, आपको अच्छे से अंकों का पासपोर्ट डालना है जिसमें शुरू का जो अक्षर है वो कैपिटल डाल देना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 8 से 128 कैरेक्टर का आप यहाँ पे पासपोर्ट डाल सकते हो, जिसमें देख सकते हो 8 लेटेस्ट एक नंबर होना चाहिए, अपर केस लेटर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप अलग अलग टाइप से जैसे कि पासपोर्ट बनते हैं उस टाइप से आपको यहाँ पे पासपोर्ट डाल देना। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको जो मैंने रेफर कोड दिया ये देख सकते हो, ये आपको डालना है यस करके। ठीक है, आपको ये रेफर कोड यहाँ पर डाल देना है बस। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफर कोड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है बस। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना होगी। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ देख सकते हो आप भारत के हो, ठीक है, झारखंड के हो, आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इशूड आईडी और लाइसेंस चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आप इसमें से देख सकते हो हाउ इट वेरीफाइड, किससे मतलब आप वेरीफाई करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो गवर्नमेंट इशू आईडी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक किया, यहाँ देख सकते हो आपको अपना रीजन डाल देना है कहाँ के हो आप। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ भारत, उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ देख सकते हो आपको अपना आधार यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे देख सकते हो अदर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो आपको सिंपल यहाँ पर ये आधार दे देना है। आपको यहाँ पे केवाईसी हम कंप्लीट कर रहे हैं तो कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद क्या कर लेना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना और कंटिन्यू पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करते से यहाँ देख सकते हो आपके पास में एक ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। जब भी आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास में कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको पेन नंबर डालना है अपना। तो पेन नंबर आप यहाँ पर डाल देना जो कि आपका अकाउंट नंबर होता है, पेन नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो आपका नाम वाम सब आ गया क्योंकि पेन होल्डर नेम यहाँ पे इसने ले लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ देख सकते हो अकाउंट वेरीफाइड, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब गो टू होम पेज, इस तरह से आप अपना अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप आ गए, इसके यहाँ पे थोड़ी सी देर में ये पूरा वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना। देख सकते हो यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे डिपोजिट कर सकते हो आराम से, इजी तरीके से यहाँ पे आपको डिपॉजिट कर लेना पैसे और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यूज़ कर सकते हो आराम से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारी क्रिप्टो करेंसी का बता रहा है, ऊपर नीचे सब बताता है यहाँ पे, तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो आराम से इजी तरीके से। डिपॉजिट पर क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो जो भी है। यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से आपको डिपॉजिट करना, चूज़ ए करेंसी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो अलग अलग वे के।
ठीक है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है, मतलब इस तरह से आपको ये अकाउंट बनाना है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।